ट्रांसवर्स कोलन है तो इसमें भी कुछ येलो येलो कलर का काफी सारा अटैच्ड है, ये सब क्या होता है? व्हाट इज दिस? दीज आर कॉल्ड एपेंडिसेस एपिप्लोइकम। अभी देखो इसको हम और उठा रहे हैं, जब इसको और उठाते हैं तो नीचे इधर देखो, यहाँ पे एक फोल्ड दिख रहा है येलो कलर का, ठीक। ये जो फोल्ड दिख रहा है येलो कलर का, ये क्या है? दिस इज ट्रांसवर्स मेसोकोलन। इट कैरीज ब्रांचेस फ्रॉम द मिडल कोलिक आर्टरी टू द ट्रांसवर्स कोलन एंड द पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ दिस, यू कैन सी द ग्रेटर ओमेंटम रीचेस अप टू गेट अटैच्ड आईलिड, इट गोज एंड गेट्स अटैच्ड टू द ट्रांसवर्स मेसोकोलन, बट समटाइम्स इट आल्सो ब्लेंड विद द ट्रांसवर्स कोलन। सो दिस इज द लूप ऑफ ट्रांसवर्स कोलन एंड हियर यू सीइंग इज द हेपेटिक फ्लेक्चर ट्रांसवर्सली, इट्स लोअर प्लेस्ड and the splenic flexure is at higher up, so it is slightly obliquely. This portion is called transverse mesocolon. The root of this transverse mesocolon is attached, is attached in an oblique line. The root of the transverse mesocolon is along to the length of the pancreas. The right end of the transverse mesocolon is in front of the second part of the duodenum, and the left end of the transverse mesocolon is at the tip of the tail of pancreas, and the root is actually in anti-relation to the head, neck and body of the pancreas. That's how transverse mesocolon is attached. You need to know all of these attachments before detaching these structures.